रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, आरओई। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी होता है नेट इनकम बटे शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट इनकम को कंपनी के पास जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है उसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये क्या दिखाता है, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी हायर है मतलब नेट इनकम काफ़ी ज़्यादा हुआ है, मतलब शेयर होल्डर्स की इक्विटी को यूज करके कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा नेट इनकम जनरेट किया है, तो हायर रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर यूज ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है मतलब कंपनी का जो इफिशियंसी है कंपनी के शेयर होल्डर्स इक्विटी को यूज करने का वो कम है, तो ये दिखाता है इफिशियंसी को। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी हायर है तो कंपनी बेटर यूज कर रहा है शेयर होल्डर्स की इक्विटी को, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी लोअर है तो वो कंपनी जो है शेयर होल्डर्स की इक्विटी को उतना इफिशियंटली यूज नहीं कर पा रही है। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए डाबर का रिटर्न ऑन इक्विटी है 23.73, गोदरेज कंज्यूमर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.26, मैरिको इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 36.95, इमामी 25.36, उसी तरह से आप देखिएगा बजाज कंज्यूमर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 31.17। तो सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी किसका है, तो यहाँ पर देख लीजिए मैरिको का। तो सबसे बेटर जो अपनी इक्विटी फंड का यूज कर रहा है वो मैरिको कर रहा है, मतलब शेयर होल्डर्स का जो इक्विटी है उसका सबसे बेटर यूज मैरिको करती है। वही काया का माइनस में है, मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट निगेटिव है। जब नेट प्रॉफिट निगेटिव है तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको निगेटिव देखने मिलता है, वहीं जिस कंपनी के नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है तो उसके रिटर्न ऑन इक्विटी आपको पॉजिटिव देखने मिलेंगे। तो निगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी अभी लॉस कर रही है। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्द ही हम इसको डिप्थ में भी समझेंगे आने वाले वीडियो में।